फिर से आप सभी का ट्रिक्स एक्सपर्ट पे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स के बारे में, और ये दूसरा वीडियो है इस टॉपिक पर, क्योंकि कई क्वेश्चंस और कई कमेंट्स ऐसे आए हैं कि इसमें जब आप फिलअप करते हैं आगे फॉर्म तो आपसे ज्वाइनिंग रिपोर्ट और रैंक सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो कि गाइडलाइन की जो PDF है अवेलेबल NSP के वेबसाइट पे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के वेबसाइट पे, वहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो फिर ये फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा और इसके यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर सर्टिफिकेट और साथ ही ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप कहाँ से बनवाएंगे और कैसे बनाएंगे, उसकी PDF कॉपी कहाँ मिलेगी, उस पर मैं बात करूँगा। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और भी जैसे जो लोग हैं इसे फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली दोस्तों आपको NSP की जो साइट है आप जब फिलअप कर लेते हैं, आपने पहले फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपने दूसरे पेज को फिलअप करते हैं, उसके बाद जब आप सबमिशन पे जाते हैं वहाँ पे आपसे एड्रेस और कुछ चीज़ें पूछी जाती है, तो वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट और ये रैंक सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है। तो वहाँ के लिए आपको करना क्या, गूगल पर आप आएँ, गूगल पर आने के बाद लिखें UGC ज्वाइनिंग रिपोर्ट फोर भी कर दें, PG रैंक होल्डर, ठीक है। इतना मारने के बाद इंटर मार दें आप, ओके। आपको देखिए दूसरे नंबर पे दिख रहा होगा गाइडलाइन फॉर सेकंड प्लान पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी, आप इसको ओपन करें, है ना। ये देखिए ओपन हो रहा है, तो ये रहा ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया और ये सारा मेंशन किया हुआ यहाँ पे। आप इसको भी दे सकते हैं अपने उसके रूप में, और आप चाहें तो एक दूसरा भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये पुराना लग रहा है क्योंकि ये मैंने नहीं दिया था, आप इस पे आ जाएं सेकंड नंबर पे, जो पहला छोड़ दे गाइडलाइन फॉर सेकंड प्लान, हालांकि मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चिंता नहीं कीजिएगा। ये वाला, ये जो है ना, ये देखिए मैं दूसरा खोल के रखा हूँ, मैं ये लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसके लिए आप निश्चिंत रहें और बस आप समझ लें कि करना क्या है, वो मेन ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आप गलती करेंगे तो शायद आपको स्कॉलरशिप पर रोक लग जाए। ये रहा वो स्कॉलरशिप, ठीक है, ये रहा वो फॉर्म, ये रहा यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, ये पूरा मतलब इसमें गाइडलाइन भी दिया हुआ है शुरू से, यहाँ से गाइडलाइन फॉर पोस्ट मैट्रिक, और उसके नीचे में ये फॉर्मेट भी अवेलेबल है, है ना। ये फॉर्मेट देखिए यहाँ पर है, नेम आपका है यहाँ, अवार्ड लेटर कुछ नहीं होगा, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, पापा का नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कोर्स लिखेंगे जो कोर्स आपका है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, कोर्स में मास्टर्स लिख देंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट में जो भी होगा वो लिखेंगे, और यहाँ पर डेट आपको अपने एकेडमिक विभाग या फिर अपने क्लास में या फिर प्रोफेसर से अपने ऑफिस में, जहाँ पे भी कॉलेज का जो भी होगा, जहाँ पर रजिस्टर मेंटेन होता होगा क्लासेस का, वहाँ पर जाके पता करना है कि पहली क्लास कब स्टार्ट हुई थी, कब से शुरू हुई थी, यहाँ पे वो डेट लिखना है, यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखना है या फिर यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट का नाम का नाम लिखना है, यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर, उसके नीचे में यहाँ नाम, उसके नीचे यहाँ डेट, उसके नीचे अवार्डी, ये कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना लिख दें अगर है तो, नहीं तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर और IFC कोड लिख दें, ठीक है। और 12 डिजिट यूनिक आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप उसको लिख दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो फिर आप इसे सबमिट कर दें अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के पास, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से आपको साइन होगा और यहाँ पर सील, वो मोहर लगाएंगे, और उसके बाद फिर फॉरवर्ड करेंगे वो, या फिर आप खुद लेके जाएं अपने रजिस्ट्रार या फिर डायरेक्टर या प्रिंसिपल, जो भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का है, यहाँ से साइन कराएँ, यहाँ उनका सील लगेगा, ठीक है। ये कम्प्लीट हो गया आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट। अब चलिए इसी के नीचे में प्रोविजनल रैंक सर्टिफिकेट से, ठीक है, यूनिवर्सिटी का रैंक सर्टिफिकेट कि हाँ आप ही फर्स्ट रैंक होल्डर हैं, यहाँ आपका नाम होगा, यहाँ पर आपको वो पिछला जो एग्ज़ाम बैचलर का होगा वह नाम होगा, यहाँ डिग्री का नाम होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जिस भी स्ट्रीम में आते होंगे, जैसे कि फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ, मेडिकल, जो भी होगा, वहाँ टिक मार के यहाँ अपना रैंक लिखेंगे 1 या 2, यहाँ लिखेंगे कितने बच्चे थे वो लिखेंगे, ठीक है। और ये कंडक्टेड बाय अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ लिख कर, यहाँ लिख देंगे कौन सी यूनिवर्सिटी में आप आते हैं, सेंट्रल, स्टेट, जो भी आपका आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आप, यहाँ पर आपके रजिस्ट्रार या फिर एग्जामिनेशन कंट्रोलर का साइन होगा और सील होगा, ये आपका रैंक और साथ ही ज्वाइनिंग रिपोर्ट, दोनों इस तरह से आपके सर्टिफिकेट तैयार हो जाएंगे। इसकी जो कॉपी है ये लिंक में मैं डाल दूंगा, इसके लिंक में तो कह सकता हूँ ये PDF की लिंक मैं डाल दे रहा हूँ अभी उसमें, और वहाँ से फिर आप इसे डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करा के आप लेके जाएँ। और एक चीज़, आप जब सबमिशन करेंगे अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तो आपको शायद कहा जाएगा ये कि
आप एक एप्लीकेशन लिख लें। हालांकि ये आप पूछ लेंगे जब जमा करेंगे तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, ये यूनिवर्सिटी लेवल पर है। ये जो मैं बताया स्टैंडर्ड लेवल का बता दिया कि सारा क्या क्या आपको करना है, और इसमें कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, बाकी फिर आप सारा कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया में होगा, आपको मैसेज आता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने सेकेंड वीडियो बनाया पीजी रैंक होल्डर के लिए, इससे जितने डाउट्स है वो क्लैरिफाई हो गई होंगी, या फिर अब इसके अलावा शायद कुछ नहीं चाहिए होगा। अगर आगे ऐसा कुछ लगेगा कि हाँ और भी कुछ चीज़ें बतानी है, तो मैं निश्चित रूप से खुद से ही वीडियो बना दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहें आप सभी, बस सब्सक्राइब किए रहें ताकि आपको पता चलते रहे। हालांकि मैं कई टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ, तो हो सकता है कि आपको वो भी टॉपिक्स अच्छा लगे, उससे भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल चीज़ें मिल जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। और एक टॉपिक था इंदिरा गांधी वन गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप, उस पर भी कई डाउट्स है, तो मैं उस पर भी जल्द से ही सारे कुछ चीज़ को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ और फिर एक वीडियो लेके आऊँगा सारे क्वेश्चन के आंसर का। ठीक है, बने रहिए आप सब, अपना ख्याल रखें। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन सजेशन हो कमेंट सेक्शन में लिखें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हमेशा इसी तरह से काम करते रहते हैं, और हमारा हमें मोटिवेट करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।